कटरीना कैफ और अक्षय की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता है। ऐसे में ये जोड़ी आखिरी बार सूर्यवंशी में नजर आए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि कटरीना को जब रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी के लिए अप्रोच किया गया था, तब कटरीना ने इस फिल्म के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन कटरीना ने सूर्यवंशी के लिए क्यों मना किया, आइए जानते हैं। दरअसल कटरीना कैफ जब सलमान के साथ उनकी फिल्म भारत में काम कर रही थी, तो उन्होंने किसी और फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। कटरीना का कहना था कि वो उस वक्त सिर्फ भारत पर फोकस करना चाहती थी। कटरीना ने ये भी बताया था कि वो साथ में और कई भी फिल्मों के स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन भारत में उनका रोल काफी स्ट्रॉन्ग था और वो इस फिल्म में काम करते हुए काफी इंजॉय कर रही थी। ऐसे में कटरीना ने सलमान की फिल्म भारत पर फोकस रखते हुए इसमें काम करना जरूरी समझा। उसके बाद फिल्म को 5 जून 2019 को ईद उल फितर के मौके पर भारत में 4700 स्क्रीन समेत दुनिया भर में 6000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। 100 करोड़ की बजट के साथ बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 325.58 करोड़ की कमाई की थी। हालांकि कटरीना ने ना ना करते करते भारत के सक्सेस के बाद अक्षय के साथ सूर्यवंशी भी साइन की और फिर उन्होंने अक्षय के साथ फिल्म में काम किया। सूर्यवंशी कोविड के बाद 5 नवंबर 2021 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कटरीना अक्षय की जोड़ी ने कमाल कर दिया। 160 करोड़ के बजट के साथ बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 294 करोड़ का बिजनेस किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कटरीना को फिल्म में अक्षय को एक थप्पड़ मारना था। ऐसे में इसको लेकर कटरीना ने किस्सा शेयर करते हुए कहा था, रोहित शेट्टी की फिल्म के लिए शूटिंग करना एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। मुझे कहना होगा और अक्षय कुमार के साथ इसे शेयर करने से ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे एक सीन याद है जहाँ मुझे अक्षय को थप्पड़ मारना था और मैं झिझक रही थी, लेकिन फिर अक्षय के साथ उन्होंने वो सीन परफेक्टली किया था। कुल मिलाकर कटरीना और अक्षय की जोड़ी ने पर्दे पर एक बार फिर से कमाल कर दिया था और अब फिर से उनके फैंस दोनों को एक साथ स्क्रीन शेयर करते देखना चाहते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।